कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दिशा निर्देश के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने कोविड 19 प्रोटोकॉल के दिशा निर्देश के में शुक्रवार से न्यायिक कार्यों को किए जाने की गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के तहत मामलों की सुनवाई ही की जाएगी, जिसके मद्देनजर जिले के जनपद न्यायाधीश, विशेष क्षेत्राधिकारी, प्राप्त न्यायालय, न्यायालय विशेष न्यायाधीश, SC/ST एक्ट, विशेष न्यायालय पॉस्को एक्ट, कोड संख्या 1234, न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, न्यायालय विशेष न्यायाधीश EC एक्ट, न्यायालय विशेष न्यायाधीश NDPS एक्ट, न्यायालय विशेष न्यायाधीश UP SEB एक्ट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन में ही मामलों की सुनवाई के निर्देश जारी किए हैं। इनमें लंबित नवीन जमानत प्रार्थना पत्र, लंबित और नवीन अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, आवश्यक आपराधिक प्रार्थना पत्रों का निस्तारण, आवश्यक सिविल प्रार्थना पत्रों का निस्तारण जैसे आदेश के मामले, विचाराधीन बंदियों से संबंधित रिमांड, वह सभी मामले जिन्हें माननीय न्यायालय द्वारा तय समय सीमा के अंतर्गत शीघ्रता से निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया गया है, ऐसे प्रकृति के मामले जिन्हें जनपद न्यायाधीश आवश्यक या उचित समझे उनकी सुनवाई कर सकते हैं। इसके अलावा जमानत प्रार्थना पत्र व अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र तथा अनावश्यक प्रार्थना पत्रों को दाखिल करने हेतु वादकारी के विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को उल्लेखित करना भी अनिवार्य होगा। ईमेल से प्राप्त होने वाले ऐसे प्रार्थना पत्रों को कंप्यूटर अनुभाग द्वारा डाउनलोड कर सूची तैयार कर संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह ने कहा, कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण हमारे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी सिविल कोर्ट दीवानी न्यायालय परिसर को चलाने के लिए एक दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है। इसी दिशा निर्देश के अनुरूप में हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा भी यहाँ सभी न्यायालयों को चलाए जाने हेतु एक विस्तृत आदेश पारित की गई है, जिसमें उनके द्वारा विशेषकर जो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का न्यायालय है, विशेष क्षेत्राधिकारिता से संबंधित न्यायालय है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से संबंधित मामले हैं, SC/ST कोर्ट है, पॉक्सो है, इसके अतिरिक्त न्यायालय गैंगस्टर है, EC एक्ट है, सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय होगा उसमें सुनवाई वर्चुअल मोड से की जाएगी। इसमें अधिवक्ता बंधु या अगवाकारी अपने बेल प्रार्थना पत्र या अंतरिम बेल प्रार्थना पत्र को कंप्यूटर अनुभाग द्वारा जो जनरेटेड ईमेल आईडी है gorakhpurfiling@gmail.com उसके सीधे प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ कंप्यूटर सेक्शन में ही एक एकीकृत यूनिट बनी हुई है, जहाँ किसी भी प्रार्थना पत्र को या किसी भी एप्लीकेशन को वहाँ दिया जाएगा, उस संबंधित अनुभाग द्वारा उसको CIS पर दर्ज किया जाएगा और उस संबंधित न्यायालय को प्रेषित किया जाएगा। वो न्यायालय उस मामले को वर्चुअल मोड से उसको सुनवाई करेगी। आपके माध्यम से मैं बात करी और अधिकताओं से ही ये आग्रह करना चाहूँगा कि जिन किसी का भी मामला लिस्टिंग में हो, जिनका मामला आज नियत हो, केवल वही न्यायालय परिसर में आए और जैसे ही उनकी सुनवाई पूरी हो वो अविलंब न्यायालय परिसर छोड़ दें। न्यायालय परिसर में भी सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सर, जो अधिवक्ता न्यायालय में बैठेंगे कितने अधिवक्ता उसमें एक साथ बैठ सकते हैं और क्या व्यवस्था? नहीं, न्यायालय परिसर है जो हमारे कोर्टरूम है उसमें 4 चेयर की व्यवस्था की गई है, इससे ज़्यादा लोगों के लिए अलाउ नहीं है और ऐसे अधिवक्ता ही आए जिनके मामले की सुनवाई हो रही हो। और वादकारियों को आग्रह है, वादकारियों से भी आग्रह है कि केवल उन्हीं मामलों में भी आए जिनके उनकी सुनवाई की जा रही है। बाकी लोगों को मना किया गया है, यह प्रयास किया जा रहा है कि न्यायालय परिसर में कम से कम भीड़ हो और कोविड का प्रकोप बहुत निम्न स्तर से है। सर, वादकारी भी काफी आते हैं और अक्सर न्यायालय परिसर में घुमा भी करते हैं, मुकदमा, तो क्या कहेंगे उनसे? नहीं, इसके लिए भी हमारे यहाँ व्यवस्था है, हम इसको इंश्योर कर रहे हैं कि कम से कम यहाँ भीड़ हो और वादकारी जैसे ही उनके मामले की सुनवाई हो अविलंब न्यायालय छोड़ दे। सैनिटाइज करने की भी हमारे यहाँ व्यवस्था है, हमारे यहाँ माननीय जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार प्रतिदिन इस पूरे न्यायालय परिसर को जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए इस पूरे परिसर को सैनिटाइज कराया जाएगा। कोर्ट पुनः खुलने के पहले इस पूरे परिसर को सैनिटाइज करते हुए हम लोग यहाँ व्यवस्था करेंगे।
हम लोगों ने इसके अतिरिक्त कोविड टेस्ट हम लोग रेगुलर करा रहे हैं, रेगुलर इंटरवल पे करा रहे हैं, ताकि जो ऐसे मरीज हैं उनको हम डिटेक्ट करें और नियमानुसार उनको उपचार उपलब्ध करा सकें। सर, कुछ कोरोना पॉजिटिव आए हैं न्यायालय परिसर में, तो उसमें नया दिशा निर्देश क्या जारी हुआ है आपकी तरफ से? हाँ बिल्कुल, आज हमारे न्यायालय परिसर में कोरोना पॉजिटिव काफी पाए गए हैं, स्टाफ पाए गए हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा इस न्यायालय परिसर को सील किया गया है और इस दौरान सैनिटाइज वगैरह कराया जाएगा। इसके बाद पुनः न्यायालय सोमवार को चलेगा। सोमवार को न्यायालय का कार्य जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है उसके अनुरूप पुनः उसी दिशा निर्देशों के अनुरूप न्यायालय का कार्य वर्चुअल मोड से चलाया जाएगा।